हेलो गाइस। तो चलो आज भी कुछ बायो के क्वेश्चंस में डिस्कस कर लेता हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विद, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विद, ये होगा आपका सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिकुलर लेवल। देन क्वेश्चन नंबर टू, अबाउट 98% ऑफ दी मास ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ सिक्स एलिमेंट्स इंक्लूडिंग कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड, और दो एलिमेंट्स आपके क्या होंगे, आपका जो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस होगा। ये छह एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव फीडबैक लूप इन ह्यूमन्स। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन टू, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्किन ब्लड वेसल्स एंड कंट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल व्हेन इट इज टू कोल्ड। इसका कॉज क्या है ना, व्हेन द सेट ऑफ पॉइंट ऑफ हाइपोथैलेमस इज डिस्टर्ब बाय हाई टेम्परेचर, इट स्टिमुलेट्स वैसो डायलेशन एंड स्वेटिंग, व्हाइल इन लो टेम्परेचर देयर इज वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड शिवरिंग। तो ये सब हाइपोथैलेमस के वजह से होता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस में हमारा टेम्परेचर कंट्रोल करने का सेंटर है, तो अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो वैसो डायलेशन होता है और स्वेटिंग भी होता है। देन हमारा अगर लो टेम्परेचर होगा देन वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है एंड शिवरिंग होता है। देन क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉल व्हिच इज कॉमन टू व्हेल, सील एंड शार्क, कॉमन टू व्हेल, सील एंड शार्क, ये होगा आपका ऑप्शन फोर, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। शार्क इज पोइक्लियोथर्मस, ऑल द थ्री स्पेसीज सो अडेप्टेशन फॉर एक्वाटिक लाइफ वेयर दिस आर नॉट क्लोजली रिलेटेड, ठीक है। इसलिए ये होगा आपका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फाइव ये वाला देखते हैं। क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये होगा आपका ऑप्शन डी, प्रोलिन। प्रोलिन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये तीन आपके कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन है, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकोल लिपिड्स। नंबर सिक्स, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ये होगा आपका ऑप्शन सी, बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैव इंटरनल कंपार्टमेंट, द थाइलाकोइड स्पेस बाउंडेड बाय थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, ये वाला आपका गलत है और तीन आपके सही है। देन ये वाला क्वेश्चन, द ओवरऑल गोल ऑफ ग्लाइकोलिसिस क्रेब साइकिल एंड द ईटीएस इज द फॉर्मेशन ऑफ, ये होगा आपका एटीपी, एटीपी इज स्मॉल स्टेप वाइज यूनिट्स। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। द इफ द मीन एंड द मीडियन पर्टेनिंग टू ए सर्टन कैरेक्टर ऑफ पॉपुलेशन आर सेम वैल्यू देन दी मोस्ट लाइकली टू अकर, ये होगा आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। देन ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग जे स्लाइम मोल्ड, कौन सा आपका स्लाइम मोल्ड है, ऑप्शन फाइसारम, फाइसारम इज ए आसेलुलर स्लाइम मोल्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये वाला देखते हैं। क्वेश्चन टेन, फॉर ए क्रिटिकल स्टडी ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज सुटेबल, कौन सा पेयर आपका सुटेबल है, तो आपका आंसर होगा ये वाला टीक एंड पाइन, क्योंकि ना सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स इन जिम्नोस्पर्म्स एंड डाइकॉट, जो आपके जिम्नोस्पर्म एंड डाइकॉट होते हैं सेकेंडरी ग्रोथ में अकर्स इन जिम्नोस्पर्म्स एंड डाइकॉट, सो ऑप्शन होगा ये वाला टीक एंड पाइन। हुई जन ऑफ ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। हुई जन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर अबाउट माइक्रोप्लाज्मा इज रॉन्ग, माइक्रोप्लाज्मा में कौन सा वाला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, ये वाला सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, ये वाला रॉन्ग है, दे आर नॉट सेंसिटिव टू पेनिसिलिन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, इनमें सेल वॉल नहीं होते इसलिए वो पेनिसिलिन को नॉट सेंसिटिव, सेंसिटिव नहीं होते। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इन इन द प्रोथैलस ऑफ वास्कुलर
क्रिप्टोगैम द एंथ्रेजोइड्स एंड एग मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स एज ए रिजल्ट इसका ऑप्शन ए वाला सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज प्रिवेंटेड एंथ्रेजोइड्स एंड द एग मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा इन वैस्कुलर क्रिप्टोगैम दैट इज टेरिडोफाइट्स द जिम्नोफाइट इज मोनोइसियस बट प्रोटोएंड्रोस टू अवॉइड सेल्फ फर्टिलाइजेशन सेल्फ डिफरेंट डिफरेंट में होता है एंथ्रेजोइड एक टाइम में होगा एग मैच्योर एक टाइम में होगा तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम हुए तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा प्रिवेंट होगा सेल्फ फर्टिलाइजेशन ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन टू प्लांट्स कैन बी कंक्लूसिवली सेड टू बिलोंग टू द सेम स्पेसिस इफ दे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन टू कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली विथ ईच अदर एंड फॉर्म सीड्स इसका कॉज द मेंबर्स ऑफ ए स्पीसीज आर इंटरफर्टाइल एंड कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इफ यू आर आस्क्ड टू क्लासीफाई द वेरियस एल्गी इंटू डिस्टिंक्ट ग्रुप व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर शुड यू चूज आपको कौन सा वाला कैरेक्टर चूज करना है ये बोला होगा टाइप्स ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट आर प्रेजेंट इन ऑल द थ्री ऑर्गन थ्री व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इनमें से कौन से सेट में आपका होगा फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट ये वाला होगा रिक्सिया ड्रायप्टेरिस एंड साइकस देन ये वाला कॉज लिखा है आप पढ़ लीजिए द मेल गैमेट और ब्रायोफाइट आर बायफ्लैजिलेट एंड दोज टेरिडोफाइट आर मल्टीफ्लैजिलेट एक्सेप्ट सेलेजेनेला हैविंग बायफ्लैजिलेट गैमेट्स ठीक है द मेल गैमेट ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर नॉन मोटाइल एक्सेप्ट दोज ऑफ साइकस हैविंग मल्टी न्यूक्लियर गैमेट्स इन जिम्नोस्पर्म्स द पोलन चैम्बर रिप्रेजेंट्स ये होगा आपका ऑप्शन सी ए कैविटी इन द ओव्यूल इन विच पोलन ग्रेन्स आर स्टोर्ड एंड आफ्टर पोलिनेशन जिम्नोस्पर्म्स बिलो माइक्रोपिलर बिग सम ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूसेलस ऑफ द ओव्यूल डिसइंटीग्रेट टू फॉर्म पोलन चैम्बर ठीक है जो आपका माइक्रोपिलर एंड में इसका ऑप्शन होगा आंसर होगा ऑप्शन सी ये वाला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्पोर डिसेमिनेशन इन सम लिवरवुड्स इज एडेड बाय इसका आंसर होगा ऑप्शन टू इलेटर्स इन सम लिवरवुड इसका कॉज क्या है इन सम लिवरवुड लाइक मार्केंसिया स्पोर डिस्पर्सल इज ड्यू टू हाइड्रोकेजी एंड इज एडेड बाय इलेटर्स तो नेक्स्ट क्वेश्चन हुज ऑफ द फेयर ऑफ द फॉलोइंग इज बैसिडियोमाइसिटिस कौन सा आपका बैसिडियोमाइसिटिस है ये वाला होगा पॉफ बॉल्स एंड क्लैबिसेप्स पॉफ बॉल्स होगा बार्ड्स नेस्ट नेस्ट फंजाई बार्ड्स नेस्ट फंजाई साइथस पॉफ बॉल्स आर लाइकोपोडन बोथ बिलोंग टू क्लास बैसिडियोमाइसिटिस क्लबी बार्ड्स नेस्ट फंजाई पॉफ बॉल वाला नहीं होगा ठीक है बार्ड्स नेस्ट फंजाई एंड पॉफ बॉल्स ये दोनों होंगे ऑप्शन बी बैट्स नेस्ट फंजे एंड पॉप बॉल्स क्वेश्चन ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन ICBN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ये वाला इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गोट ऑफ राय इज कॉस्ड बाय ए स्पेसिस ऑफ ऑर्गोट ऑफ राय इज कॉस्ड बाय ए स्पेसिस ऑफ ये होगा आपका क्लाविसेप्स ऑर्गोट ऑफ राय इज कॉस्ड बाय क्लाविसेप्स पर्पुरिया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन टू स्पेसिस ऑफ डिफरेंट जीनोलॉजी
कम टू रिजेंबल विथ ईच अदर एज ए रिजल्ट ऑफ एडाप्टेशन द फेनोमिनन इज टर्म्ड एज यू हैव का कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अडैप्टिव रेडिएशन रेफर्स टू, ये होगा आपका ऑप्शन सी इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पेसीज फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर, जो डार्विन्स फिंचेस इसका बेस्ट एग्जांपल है डार्विन्स फिंचेस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी अनएक्सपेक्टेशनली डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर, ये आप ऑप्शन फॉर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में एबिलिटी में हमें उसे डिस्टिंग्विश करते हैं, ठीक है, नॉन लिविंग को लिविंग को नॉन लिविंग से डिस्टिंग्विश करते हैं, रिप्रोडक्शन इसका मेन कॉज है, ठीक है। द फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड प्रोवाइड एन एविडेंस इन फेवर ऑफ, ये होगा आपका बायोजियोग्राफिकल इवोल्यूशन, ठीक है, बायोजियोग्राफिकल इवोल्यूशन जो डार्विन फिंचेस बायोजियोलॉजिकल इवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन वन ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ जियोग्राफिकल आइसोलेशन इज, आपका ऑप्शन फोर स्पेसिएशन थ्रू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इंडस्ट्रियल मेलानिज्म एज ऑब्जर्व इन पीपल्ड मॉथ proves that option B is correct, the true black melanic forms arise by recurring random mutation, which is an example of directional selection, ठीक है, जो industrial melanism वो जो part of evolution का। next question the concept of chemical evolution was based on, concept of chemical evolution based on पॉसिबल ऑरिजिन ऑफ लाइफ बाय कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द कॉमन बिटवीन पैरट प्लैटिपस एंड कंगारू, इसका आंसर होगा ये वाला होम्योथर्मी, ओनली बैट्स एंड मैमल्स आर होम्योथर्मस, ठीक है, ओनली बैट्स एंड मैमल्स आर होम्योथर्मस। देन देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज ट्रू अबाउट नेरिस स्कॉर्पियन कॉकरोच एंड सिल्वर फिश, ठीक है, ये वाला है दे ऑल पोजेसेस डोर्सल हार्ट, ऑल पोजेसेस डोर्सल हार्ट, ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन ए ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन फुलिस सीडलिंग इज ए डिजीज इन राइस डिस्कवरी ऑफ, यह ऑप्शन बी जिबरेलिक एसिड, इसे कॉज क्या है, फुलिस सीडलिंग डिजीज और बेकने डिजीज ऑफ राइस इज ड्यू टू ए फंगस जिबरेला फ्यूजिकोराई, इस फंगस के कारण ये वाला डिजीज होता है फुलिस सीडलिंग ऑफ राइस। याबूटा एंड याबूटा एंड सुमू की ऑप्टेंड एक केमिकल फ्रॉम द फंगस जिबरेला फ्यूजिकोराई एंड नेम्ड इट जिबरेलिक एसिड, ठीक है, जिबरेलिक एसिड। पैसेज सेल्स आर थिन वर्ल्ड फाउंड इन, ये होगा ऑप्शन टू एंडोडर्मिस ऑफ रूट फैसिलिटिंग रूट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम कॉर्टेक्स टू पेरिसाइकल, इसका कॉज ये यहाँ पर लिखा है पैसेज ऑफ सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसफ्यूजन टिश्यू हेयर फाउंड इन दी एंडोडर्मिस मेंट फॉर रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम कॉर्टेक्स टू पेरिसाइकल, ठीक है। नेक्स्ट 37 ये वाला देखते हैं
द फास्ट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ फोटोसिस्टम टू, ये होगा आपका क्या, क्विनोन। फास्ट एक्सेप्टर क्विनोन, ठीक है, क्विनोन होगा फास्ट एक्सेप्टर इज योर क्विनोन। सो गाइस आज के लिए इतना ही, ये था कुछ बायो के क्वेश्चन। सो गाइस सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन, आप जब मैं नया वीडियोस छोड़ूंगा आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, खुद बेनिफिट लीजिए और अपने दोस्तों को भी बेनिफिट दीजिए, ठीक है। सो गाइस सब्सक्राइब माई चैनल, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।